तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों को यार हमेशा धमाकेदार और कुछ नया ही चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं लेकर आया हूँ इस पीवीसी पट्टी को। और आज हम इस पीवीसी पट्टी से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन पट्टी है और काफ़ी टाइट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इससे दोस्तों हम बनाने वाले हैं ड्रोन का फैन। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है आज का। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और आज हम इसको बनाकर इसको चेक करेंगे कितना हवा ये देता है और पूरा भी जानने वाले हैं सब कुछ। तो दोस्तों पूरा वीडियो का अंत जरूर देखना। तो चलिए हम इसको बना कर देते हैं। तो दोस्तों हमें ड्रोन का फैन बनाने के लिए सबसे पहले इस वाले पट्टी को कि आप देख चुके हैं दोस्तों, इसको चाहिए। उसके बाद हम एक पट्टी का सहायता लेंगे जिससे हमें मापने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और एक यहाँ पर हम एक कटर लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं थर्माकोल कटर का, ये एक पट्टी है ब्लेड है, और इसमें हम छेद करने के लेंगे। और यहाँ पर मार्किंग करने के लिए हम स्केच लेंगे। तो चलिए हम स्केच स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। हम इसकी लंबाई ले लेते हैं, रेडियस कुछ इस प्रकार से। दोस्तों हम 2 सेंटीमीटर इसका लंबाई ले लेते हैं। तो दोस्तों इसको काटना भी उतना ही आसान है जितना आसान है इसका मार्किंग करने में। तो दोस्तों इसलिए हम इसको काट लेते हैं कुछ इस प्रकार से। लेंगे हम इस कटर की सहायता से इसको काट लेंगे। तो भाई इसको हम पटरी की सहायता से लगा देंगे और थर्माकोल कटर से इसको हम काट लेंगे कुछ इस प्रकार से। इस पर हम मार्किंग करके काट लेते हैं। इस पर मैंने मार्किंग कर दिया है और इसको अब हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर टूट जाता है दोस्तों, और यहाँ पर टूटने वाला है तो इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो इसको हम काट लेते हैं कटर की सहायता से कुछ इस प्रकार से काट लेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो अगर फास्ट नहीं करता तो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो दोस्तों, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता। और इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है थोड़ा शॉर्ट में ही बनाने के लिए। और आप इसमें पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें म्यूजिक डाल दिया हूँ। और अब कितना मज़ा आता है पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने ड्रोन का फैन बना दिया है काफ़ी मेहनत के बाद। और यहाँ पर मैंने एक मोटर भी लगाया जो कि काफ़ी स्पीड है इस मोटर में। और ये कितना ज़बरदस्त लुक दिख रहा है इसका। और यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है जो कि 4 वोल्ट का है, और यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करने जाता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम मोटर को स्टार्ट कर जल्दी से देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा हवा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा हवा दे रहा है मोटर। तो भाई सच में मज़ा आ गया यार, काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस था।